स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली अनन्या पांडे ने कम उम्र में ही इतना फेम हासिल कर लिया है। जी हाँ, अगर हम बात करें चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे की, तो उनकी उम्र फिलहाल महज 20 साल है, लेकिन फिर भी उनका स्टारडम काफी अच्छा है। जी हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के जरिए उन्होंने काफी ज्यादा फेम हासिल किया और ऑडियंस की अटेंशन भी गेन कर ली है, साथ ही साथ उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी हो गई है और सोशल मीडिया पर भी उनके काफी सारे फॉलोअर्स हैं। वही अनन्या पांडे की बात करें तो वो भी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपनी अलग अलग लुक्स में अपनी फोटोज और वीडियोस शेयर करती रहती हैं। तो रिसेंटली भी अनन्या पांडे हमें दिखी लाइट ब्लू कलर के टैंक टॉप और साथ ही साथ व्हाइट कलर के रिप प्लाजो में। वाले रिप प्लाजो को सोशल मीडिया यूजर्स ने पसंद नहीं किया और साथ ही साथ उनकी इस कैजुअल लुक का मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पर। जी हाँ, रिसेंटली अनन्या पांडे को भी बाकी स्टार किड्स या फिर सेलिब्रिटीज की तरह ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ा है उनके कपड़ों की वजह से। जस्ट बिकॉज उनकी ये कैजुअल लुक यूजर्स को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए अनन्या पांडे के बारे में। आइए हम भी नजर डालते हैं उन कमेंट्स पर। सोशल मीडिया पर काफी आम बात है, ऐसा होता रहता है, लेकिन फिर भी जो अनन्या पांडे का वर्क फ्रंट है काफी शानदार है। जी हाँ, वर्क फ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में डेब्यू करने के बाद फिल्में हासिल कर चुकी हैं बड़ी। जी हाँ, अगर हम बात करें अनन्या पांडे की आने वाली फिल्मों की, तो अनन्या पांडे कार्तिक आर्यन के अपोजिट नजर आने वाली हैं पति पत्नी और वो में, और साथ ही साथ ईशान खट्टर के साथ भी नजर आएंगी खाली पीली फिल्म में। पति पत्नी और वो फिल्म की बात करें तो वो फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये होगा कि कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे की केमिस्ट्री को लोग कितना पसंद करते हैं और अनन्या पांडे पर्दे पर जब दोबारा आती हैं तो लोग उन्हें कैसा रिस्पॉन्स देते हैं।